नहीं देखते जो सुरक्षित रख लीजिए। नाटक देखिए नाटक। लड़की की शादी उसी घर में हो तब तो रुपये का प्रबंध करना ही होगा। आप शर्मा जी से मिलकर दहेज की रकम कुछ कम करवाइए। हाँ मैं शर्मा जी से जाकर फिर मिलूंगा और कोशिश करूंगा 10 लाख के बदले 4-5 लाख में काम चल जाए। आप कहेंगे तो उम्मीद है कुछ कम कर दे, वह भी लाखों में एक है, वह आपके पुराने दोस्त भी हैं। कमी तो उसे किसी चीज की नहीं है, लाखों की संपत्ति है, नौकर चाकर गाड़ी बंगले क्या क्या चीज न उनके पास है, लेकिन वे स्वभाव के बहुत जिद्दी है। मैं उनको आज से नहीं बरसों से जानता हूं। अच्छा आप कोशिश कीजिए शायद कुछ काम बन जाए। गौतम है। वह तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारे देखो ना। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ठीक है जल्दी लौटिएगा। गौतम है एक मिनट यहाँ से बात। दृश्य अहिठाम नाटकक समाप्त भेल। आब हम जे मैट्रिक में प्रथम आयल बच्चा सब मनोहर लाल जी मैं इतना कर सकता हूँ दहेज की रकम विवाह से पहले 5 लाख और विवाह के मंडप पर 5 लाख रुपए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। शर्मा जी दहेज की रकम कुछ कम कर देते तो बड़ी कृपा होती। नहीं नहीं भला यह कैसे हो सकता है, एक नया पैसा कम नहीं लूंगा, चाहे यह शादी हो वरना ना नहीं हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। जब मैं वचन दे चुका हूं अपनी लड़की की शादी आपके ही लड़के से करूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए देने से असमर्थ हूं। आप तो मेरी हालत जानते ही हैं, आपके बराबरी का नहीं हूं। अरे तो फिर यहां क्यों सर पटक रहे हैं, जाइए और अपनी बराबरी वालों के साथ जाके शादी कर लीजिए अपनी बेटी की। धरती पर रहकर आसमानों का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा कम नहीं रहे तो सामानों में ही कुछ कम कर दीजिए। आप ही बताइए, अरे सामानों में मैं क्या कमी करूं? 5 तोले सोने की चेन और टेलीविजन से, आप तो जानते ही हैं मेरी जुबान पत्थर की लकीर होती है, जो बात कह देता हूं उससे वापस नहीं लेता। यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इस वर्ष व्यापार में मुझे घाटा हो गया है, नहीं तो आपको मुंह मांगी रकम देता। क्या बच्चों की तरह बातें करते हैं ना, भला आपके व्यापार से मुझे क्या मतलब, आपको नफा हो या नुकसान।
शर्मा जी कम से कम आप मेरी मजबूरियों का तो ख्याल करते। अरे ये सब नाटक नहीं चलेगा, मेरी मजबूरियों को आप क्यों समझे। अरे 1 लाख रुपया तो सरोज को पढ़ाने में लग गया, इसके अलावे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। क्या आप यही सोच करके अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, किसी लड़की वाले से पैसा वसूल करेंगे। अरे नहीं तो और क्या, इस मामले में मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मेरी मांग आपको मंजूर है तो आप यह रिश्ता पक्का समझिए, नहीं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसी बातें नहीं कीजिए शर्मा जी, मेरे सारे सारे संबंधियों को पता चल गया है, मैं अपनी लड़कियों की शादी आपके लड़के से करने जा रहा हूं। अगर यह शादी नहीं हुई मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा शर्मा जी। अरे अगर आपको इतना ही ख्याल है तो मेरी मांगों को पूरी कर दीजिए, नहीं तो सरोज की शादी मैं दूसरी जगह पक्की कर दूंगा। नहीं नहीं शर्मा जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप लड़के वाले हैं, यदि आप लड़की वाले होते तो उनके दिल पर क्या गुजरती है आप क्या जानेंगे। अरे मैं आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं यह हमें अच्छी तरह मालूम है। एक बार फिर आपसे कहूंगा कुछ मांगे कम कर दीजिए। मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। आप 10 लाख में से 3 लाख भी कम कर देते तो बड़ी कृपा होती। आप खुद जानते हैं कि सामान कितने महंग बिकते हैं। मनोहर लाल जी कृपा कर इस रिश्ते का सपना आप देखना छोड़ दीजिए, मैं अपने लड़की की शादी आपके घर में नहीं करूंगा। नहीं नहीं शर्मा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसा आप मत कहिए। मैं अपनी सारी जायदाद बेचकर भी आपकी मांगें पूरी करूंगा। तो भी ठीक है, सारे सामान और 10 लाख रुपए दे दीजिए, शादी हो जाएगी। 5 लाख रुपया उसमें से पहले आपको देना होगा, लड़के के चढ़ावा भी तो देनी है। और याद रखिएगा बाकी के 5 लाख शादी में फेरे फिरने से पहले देना होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। हे भगवान, ठीक है शर्मा जी अब हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजानी चाहिए भाइयों बहनों। आइए दिलीप जी।